अब से जो है ना व्लॉग बिल्कुल टाइम पे आएंगे। करौंदा की सब्जी पहली बार पता चली थी जब मैं अपने ससुराल में गई थी, मैंने उससे पहले बेरा भी नहीं थी करौंदा के चीज हो। पूरा ईसा बढ़िया कौन मिले निकले राजस्थान की झुंझुनू की तुम्हारा रसम राखी में आवे तेनू कहो की हाँ अपना अपना तो ले लिया था हमने के दिया तो यो बता दिया है के दिया और कौन कौन आ रहा था वो भी बता दू। दो बड़ी बुआ जी आ रही थी अमित की बुआ जी चैनल। सुबह का टाइम हो गया है उठ गए और ना उठ के आ गए एमी दोबारा सो के और उठ गया दोबारा। अब आप बताना कि आप सबके बच्चे भी जैसे बड़े होते जाते हैं तो कम सोते हैं, पहले ये एक बार सुबह सो लेता था फिर एक बार दिन में सोता था बट अब पता नहीं इसको क्या हो रखा है एक ही टाइम सो रहा है ये दो बार नहीं सोता और अभी करने लग रहा है ये मस्ती। और आज करवा दी सारी रूम की क्लीनिंग, मतलब हमने क्या किया ये सारे जो डब्बे यहाँ पे मित्तू ने इतने दिन से बोल रही मैंने कहा ये डब्बे हटा दे बड़े बड़े डब्बे हटाने की जिम्मेवारी इसके, छोटी मोटी सफाई हम कर दे, इसने नहीं हटाए। आज मैं नहीं मिलके ये वाले यहाँ से हटा दी, खाली चेयर रह गई है, रूम में काफी स्पेस दिख रहा है अब सारे, मतलब वो वैसे तो सारे काम के डब्बे थे बट वो सारे एक रूम में शिफ्ट करवा दिए। और अभी ना चद्दर वद्दर सारे रूम की चेंज हो गई है इसकी भी, अब जो हम मशीन में कपड़े डाल दिए चलो हम बाहर चलेंगे। सबको जय जय करो। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग भाई, सुबह सुबह का टाइम हो चुका है, निकल लिया अपना C4 प्री वर्कआउट और एप्पल खाते हुए जिम के लिए, क्योंकि वो स्वामी तो अभी जा नहीं रहे क्योंकि मम्मी है नहीं यहाँ पे तो मम्मी को रखना पड़ता है। तो चलो करते हैं अपनी जिम की जर्नी स्टार्ट। तो मैं भी इतना जूम करवा दिया कि आंख आंख दिख रही है, मैं भी नहा के आ गई हूँ और अब ये कर रहा फुल शरारत, इसको ना मैंने खाना खिलाना है तो बस एक बार खाना खिला दूँ और फिर खुद भी खाऊं। ये देख लो इसकी मस्ती, और अब इसको पता नहीं यहाँ से उतरना है ये है, मतलब इसको जरूरत नहीं है, अगर इसको वहां बिठाया तो तुरंत ही उतर के नीचे है। क्या करना है अब कहाँ जाना है, कितना सुंदर लगता है बच्चा चलता हुआ टेडी की तरह से चोड़ी चोड़ी टांग करके। ओए जाने कहाँ है तो बता दे, मंजिल कहाँ है तेरी, नहीं बताएगा। इसको भयम रहता है अंदर वाले रूम का जिसमें सोता है ये, भाग के बस इसमें आना है इसको। एमो क्या है इस रूम में, मौसम भी ना आजकल इतना चमत्कारी हो रखा है, एक दिन तो बिल्कुल पूरा दिन ऐसा जाएगा जैसे बारिश पड़ रही है और बिल्कुल एकदम मस्त वाला पहाड़ों वाला मौसम, और आज देखो कितनी ज्यादा धूप निकली हुई है, मतलब ऐसा लग रहा है कि सुबह सुबह के 9:30 बजे हैं अभी और गाड़ी नहीं चलाई जा रही, ये हाल हो रहा है, मतलब आंखों में इतना वो लग रहा है सामने से सूरज की किरणें लग रही हैं। मानिक सिवाज बहन और दो तीन प्यारी प्यारी बहनें बोल रही थी कि हम आपके व्लॉग का जो है ना वेट करने लग जाते हैं 10 बजे से और आपका व्लॉग लेट आया। हाँ जी मैं लेट हो गई थोड़ा सा क्योंकि रात में जिस तरह एमी भी हो जाता है भाई और फिर एडिट करना, क्योंकि मैंने बताया था हमारी एडिटिंग टीम छुट्टी पे गई हुई है तो बच्चे को भी संभालना अकेले सारा काम करना, तो इसलिए मेरा व्लॉग जो है ना 1-2 घंटा लेट हो जाता है, टाइम पे एडिट नहीं हो पाता है। और मैं समझती हूँ कि बच्चा सबसे पहले है, अगर 1-2 घंटा लेट भी हो गया तो कोई बात नहीं, तो मैं सबसे पहले इसको फ्री करती हूँ, सुबह भी इसको नहला धुला के सुला के जब मैं फ्री हो गई तब मैंने जो है ना व्लॉग एडिट करके लाइव किया था, तो उसके लिए सॉरी। अब से जो है ना व्लॉग बिल्कुल टाइम पे आएंगे, ठीक है ना, डेली। तो वह जिम में पहुँच गए हैं और आज करेंगे बैक की एक्सरसाइज। तो भाई ये है अपनी सेकंड एक्सरसाइज डीडी ड्राइंग। क्या करूं इस लड़के का मैं, क्या करूं, ये देखो इसको नीचे गिराएगा बेटा, इसमें हार है सोने का, रुक जा कह रहा गिराऊंगा इसको नीचे। हाँ जी लंच हो गया आपका, अभी सोने का टाइम आया है, कितनी देर में सोई सोई करनी है, आपसे बात हो रही है मेरे डार्लिंग। एक्सरसाइज डन कर दी है, खत्म कर दिया, अब लेंगे अपना क्रिएटिन। तो भाई बढ़िया सा जिम करके आ गए घर पे और आंख नहीं खुली भाई, इतनी तेज धूप हो रही है बिल्कुल। तो भी घर पे आ गया और घर पे आते ही सबसे पहला काम होता है
एमओ के साथ में टाइम स्पेंड करना, क्योंकि ये मैं जाता हूँ तब मतलब लेट उठता हूँ थोड़ा समय, तो ये उस टाइम पे इसके नहाने सोने का टाइम हो जाता है, और अब ये आते फिर मेरे पास आ जाता है, तो पहले प्रोटीन वगैरह लेके फिर उसके बाद नहा के आऊँगा थोड़ी देर इसको खिला के, है ना बिट्टू, है ना। सामने टीवी चल रहा है इसका। तो गाइज हो गया दोपहर का टाइम, मम्मी सो गया, मम्मी के पास सो रही उसकी दादी, और मम्मी आ गई थी गांव से, आप लोगों ने देख लिया वो व्लॉग में क्या क्या सामान लेके आई वो मैं दिखाऊंगी, और बस अभी कुछ वीडियोस निकालनी थी, तो मैंने सोचा जब तक एमओ सो रहा तभी हमारे पास टाइम होता है कुछ करने का, तो मैंने कहा चलो वीडियोस वगैरह निकाल लेते हैं फिर मैं दिखाऊंगी क्या क्या सामान आया है गाँव से हमारे। तो गाइज खाना पीना खा लिया है और मम्मी आ चुकी है, ये देख लो, और वो रोने लग रहा है। हेलो, ये मम्मी का पल्ला रखा है सारा, क्या चक्कर है, हैं है क्या कुछ प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम बताइए, हम आए हैं आपके पास। तो चलो गाइस मैंने बोला था कि आप लोगों की मम्मी आ गई है गांव तक, और किस सामान लेकर आई है चलो दिखा दूं आपने भी कि के माल मामला लेकर आई है, देख लो सारे जने, मम्मी दिखा देगी भाई। घर क्या मूंग की दाल, देसी मूंग से कती इसी बढ़िया दाल बनेगी, वे खिचड़ी बना लेंगा, दाल बना लेंगा, और यस है क्योंकि बताऊ बाहर वाली कर ले हाँ जब खत्म हो जाए, पर कोशिश हो करे जो वहाँ पे खेता में बोना वही चीज लावा। यह सगर का दलिया ये मेरी फ्रेंड से खास का कुआ पर लाग रहा था, संतोष का कुआ पर उन भेज जा से मेरे खातर। अच्छा ये क्या है इसका नाम बता दियो सा, अच्छा। तो मैंने सच्ची बता दी मैंने पहली बार पता चली थी जब मैं अपने ससुराल में गई थी, मैंने उससे पहले बेरा भी नहीं थी करौंदा के चीज हो यार, इतनी बढ़िया सब्जी बना है कती फरीगी। कोई तो ये वैसे सफेद कार पिंक कलर का कोई पेड़ का ये तो सफेद वो आसिमर का तो ताई का तो लेके आया करता, ये अपना घर का पेड़ का नींबू, थोड़ा पालक का बीज, या भाई एमी की दादी सिरकले मेहंदी लेके आई और मिला को नींबू, और मिला पर हमने सदर में जाना पड़ा है, पर हम सदर में चक्कर मारा कम लग गया है तो इस करके एक साथ ही लिया है, मेरा नंबर लगा तो मैं यो सब भाई झुंझुनू को बढ़िया फैशनेबल चूड़ो पूरा ईशा बढ़िया कौन मिले एगा हीरा कौन निकले राजस्थान की झुंझुनू की तुम्हारा रसम हुआ सार राखी में आवे जब ननद तो भाभी का तो चूड़ा लेके आओ और भाई का नारियल ड्रेस और नारियल लेके आओ या वैसे हमारे राजस्थान में, और ये राखी भाई सारी बाण बेटिया की कट्ठी ले आई मैं, ये ड्रेस एम्मी की बुआ ले आई और ये एम्मी की राखी लेके आई, ये की पूनम बुआ जी की से, और यह ड्रेस गुड्डल बुआ जी की, और राखी सारी मैं कट्ठी कर दी, और क्या था भाई और बुआ जी और ड्रेस पेंट शर्ट लेके आई थी वह घर नजर आई, और गुडल जीजी का नाम का ये चूड़ा का पैसा। तो भाई शाम का टाइम हो चुका है लगभग 4 बज चुके, मैं जा रहा हूँ फैक्ट्री की तरफ, पता नहीं आ रहा आज सुबह से ना मेरे को हिचकी आ रही है बार बार में, क्यों आ रही है पता नहीं। चूड़ा का पैसा दिया से विकास बेटी से बड़ी मेरी गुड्डल हाँ गुड्डल के नाम से जाना, गुड्डल दीदी ने चूड़े के पैसे दे दिए, पूनम चूड़ा ले आई और राखी सारी मम्मी ले आई, और आपने के दिया वो भी राखी सारिया की ले आई, निशु की भी ले आई, निशु की चूड़ा की उधार से वह आओगी जब देगी, फिर कोई नहीं सोचा भाई निशु अणका आवे कुन्या वह दिमाग तो निकाल दियो, मिठाई राखी 15 दिन पहले भेज दी थी वह भाई गुजरात रह से, आपने के दिया छोरिया दी, मैं दे के आई 200 सूट और 700 रुपया, 700 रुपया ये दिया है भाई, तेनू कहो कि हाँ अपना अपना तो ले लिया थामने के दिया ना, तो यो बता दिया है के दिया, और कौन कौन आ रहा था वो भी बता दो। दो बड़ी बुआ जी आ रही थी, अमित की बुआ जी और दो एमी की बुआ जी, चार आ रही थी। तो मम्मी अपनी तरफ से निपटाया ही है, सूट साट दिया ही है, और जो उनकी तरफ से जो वो लेकर आ रही थी जो हमारा सामान था वो मम्मी यहाँ ले आई है, ठीक है अब क्लियर हो गया हिसाब किताब सारा क्लियर, अब थोड़ा है मेरे खिला दो, कई देर हो गई रोवा है तो मैं इसने खाना खिला दूं। वो किसका सोनू भाई आया था क्योंकि इसने 4-5 फोन करे, मैंने फोन ही ना उठाए, साइलेंट था मुंह में लाग रही थी, 2-4 सूट थे वो लेके जाने थे,
इसके साथ तो खेलने लग गया, बेसना तो जानने लग गया। और यहाँ पे कमल भाई बना रहा है सैंडविच है, किसके चीज वाली, कौन सी वेज सैंडविच बना रहा है, वेज सैंडविच। इधर बन रही है कॉफी, ये देख लो यहाँ पे अब बना देगा सैंडविच बड़े ऐसी। मैं कहना भूल गई, क्या बना रहे हो? वेज ग्रिल्ड सैंडविच, वो भी चीज वाला। कह रहे हैं आपने पूरा नाम नहीं बोला। तो ये देखो भाई, कमलू ने, कमल भाई ने तैयार कर दिया, ये देखो चीज सैंडविच घर पे जमा स्वाद आ जाएगा, कभी बढ़िया सी। बाकी एक बाइट में टेस्ट करके दिखा दो, कभी पूरे मुंह बड़ी अच्छी चीज होगी, बार बारिश का मौसम हो रहा कभी मजे ही आ गए। तो आज एक्सपेरिमेंट होगा, जो ये वाले जो सब्जी है ना, ये बनेगी करौंदा की सब्जी, और ये इसको नहीं आती है, मेरे को, मैं पहली बार ही देख रहा हूँ, तो मेरे को सिखाएंगे ये वाली सब्जी भी कैसे बनेगी, इसको नहीं जानता था, देसी सब्जी है ये मेरे को नहीं था पता। अब मेरा घर है कलकत्ता और मैं खा रहा हूँ हरियाणा का सब्जी, लोग लड़के आधा घंटा तोर खेलेगा, उसके बाद इसकी क्लीनिंग करके इसको ले जाऊंगी सुलाने के लिए, 8:30 बजे में लेके चली जाती हूँ। तो बस आज के ब्लॉग में यही था, अकेले तो आपको पता पूरा बच्चा, फिर वीडियोज ये वो, इतना सारा काम हो जाता है, और क्या क्या लेके आई मम्मी वो मैंने व्लॉग में दिखा दिया। तो बस ऐसा ही था कुछ आज का दिन, और अब मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। अभी हमारा डिनर बाकी, मतलब मेरे को तो वैसे भूख है नहीं, पता नहीं मैं तो करूँगी नहीं करूँगी, बट ये लोग करेंगे, करौंदे की सब्जी बनी, हो सकता मैं एक रोटी खा भी लूँ। तो अभी जो है ना, एमी को सुलाने के बाद इसके पापा चले जाएंगे इसके पास, फिर मैं आगे बाहर थोड़ी बहुत देर बैठूंगी या कुछ करूँगी, मतलब या खाना खाऊंगी। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग का एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।